नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आज हम बात करेंगे 24 मार्च 2020 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस को क्यों मनाया जाता है? 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, इसी दिन फांसी दी गई थी। तो 8 मार्च 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और जिन्हें अंग्रेज सरकार ने दो साल बाद 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। और मैं आपको यहां से एक बात और बता दूं, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसके बारे में, तो यह स्लोगन किसने लिखा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने यह स्लोगन दिया था। यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यह स्लोगन किसके द्वारा लिखा गया है। तो मैं यहाँ से एक बात और आपको बता दूं, भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। आज है 23 मार्च और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम क्या है? तो अब की बार इसकी थीम है जलवायु और जल। अब की बार इसकी थीम है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वॉटर एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी थीम थी। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसकी थीम थी। आप यहां से ये भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 ग्रीष्मकाल ओलंपिक से अपने एथलीटों को वापिस लेने वाला पहला देश बन गया है? तो मैं आपको बता दूं, कनाडा देश ऐसा पहला देश बन गया है जो कि 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स से अपने एथलीटों को वापस ले रहा है। ऐसा क्यों ले रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप से चलते हुए इन्होंने यह डिसीजन लिया है। अब कोरोना वायरस के बारे में आपको मैं बता दूं, कोरोना वायरस लगभग 192 देशों में फैल गया है। इसलिए मेरी आपसे सलाह है, कृपया अपने घर पर रहिए और लोगों से ज्यादा मिले जुले ना। और तो चलिए अब बात करते हैं ओलंपिक के बारे में। तो यह ओलंपिक 2020 का ओलंपिक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। टोक्यो कहां पर है? जापान में। और इसके बारे में मैं आपको यह बता दूं, तो यह 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में आयोजित किया जाएगा। और अब की बार इसका मैस्कोट क्या है? और अब की बार इसका मैस्कोट है, एक है मेरिट ओवा और दूसरा है सोमेटी, इसका दूसरा मैस्कोट है। क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसके मैस्कोट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइपर लूप पोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, भारत की पहली हाइपर लूप पोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन IIT मद्रास में किया जाएगा। यह एक प्रकार की ट्रेन है जो कि एक शील्ड लूप में चलती है। अब यह शील्ड लूप है क्या?
इस शील्ड लूप में क्या होता है, इसमें दोनों तरफ से यह बंद होता है और जिसमें कोई भी हवा का पार्टिकल नहीं होता, पूरी तरह यह वैक्यूम से भरा होता है, वैक्यूम से भरा होता है। और इसमें लगभग 20 से 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस को कम समय में कवर कर पाएंगे। इसमें फायदा क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस को हम कम समय में कवर कर पाएंगे। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले, इस प्रतियोगिता की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2015 में स्पेस एक्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, स्पेस एक्स के द्वारा की गई थी। अब मैं इसके बारे में आपको एक बात और बता दूं, अब भारत की पहली हाइपर लूप लाइन किन दो शहरों के बीच में बिछाई जाएगी, तो यह मुंबई से पुणे के बीच में बिछाई जाएगी, मुंबई और पुणे के बीच में बिछाई जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, लगभग यह 117 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग 23 मिनट में कवर कर सकेंगे। अब लोग 117 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 23 मिनट में जिससे कवर कर पाएंगे। और विजयवाड़ा और अमरावती के बीच में भी इसी तरह की हाइपरलूप लाइन बिछाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए दिल्ली का वित्त बजट कितने करोड़ रुपए का रखा गया है, तो 65,000 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर है। तो दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की विधानसभा में वित्त बजट पेश किया और इसकी राशि कितनी है, 65,000 करोड़ रुपए है। तो अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हुए थे जिनमें आप पार्टी ने विजय प्राप्त करी। तो दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70, जिनमें से आप पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, 67 सीटें आप पार्टी को प्राप्त हुई थी। और तीन सीटें किसने प्राप्त हुई थी, तो 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब इस वित्त बजट के बारे में देख लेते हैं, तो 65,000 करोड़ रुपए में से स्वास्थ्य के लिए दिए गए हैं 7,704 करोड़ रुपए, और कोरोना वायरस के लिए दिए गए हैं 50 करोड़ रुपए, और यहां से नए अस्पतालों के लिए दिए गए हैं 774 करोड़ रुपए। और दिल्ली की सरकार ने यह भी घोषणा की कि इस बार वह 145 नए स्कूलों की भी व्यवस्था करेंगे। कितने स्कूलों की व्यवस्था करेंगे, 145 नए स्कूलों की भी व्यवस्था की। और इन्होंने यह भी घोषणा की कि दिल्ली के हर एक स्कूल में डिजिटल कक्षा स्थापित की जाएगी, जिसके लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। कितने करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न के आरोप में बड़ौदा की महिला क्रिकेट टीम के कोच को निलंबित किया गया, तो उनका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अतुल बोबड़े को बड़ौदा की महिला क्रिकेट टीम के कोच से निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ने अजीत लेले ने कहा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे गए हैं, इनके बारे में भी आपको मैं बता दूं। विजय पाटिल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और रोजर बिन्नी कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और अनिल कुंबले मुख्य कोच हैं किंग्स इलेवन पंजाब के ये मुख्य कोच हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र की टीम ने पहली बार जीती है। किसे हराया है इसमें, तो इसने पश्चिम बंगाल की टीम को हराया है। किस टीम को हराया, पश्चिम बंगाल की टीम को हराया है। किस टीम ने हराया, तो सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है पश्चिम बंगाल की टीम को हराकर। और यहाँ से मैं बीसीसीआई के बारे में आपको बता दूं, बीसीसीआई के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, आईसीसी के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। और आईसीसी के सीईओ का क्या नाम है, मनु सहानी आईसीसी के सीईओ का नाम है। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में दुबई में। कहाँ पर हुई थी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सर्च इंजन ने COVID-19 के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है, तो गूगल ने अभी COVID-19 के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.google.com/
COVID-19। आप इस साइट पे जाकर कोरोना वायरस से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां ले पाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, लोग इससे अपने बचाव के बारे में जानकारी ले पाएंगे, प्लस इस महामारी के बारे में भी जानकारी ले पाएंगे। और इससे फायदा क्या होगा, इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाह से भी लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो यह सर्च इंजन किसने लॉन्च किया है, तो यह सर्च इंजन गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसकी घोषणा किसने की, तो इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। तो अभी हाल ही में सार्क ने भी एक वेबसाइट लॉन्च की है, तो उस वेबसाइट का क्या नाम है, उस वेबसाइट का नाम है www.covid19.sdmg.org। तो सार्क के द्वारा भी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है www.covid19/sdmg.org। और तमिलनाडु ने भी एक वेब पोर्टल लॉन्च कराया है stopcoronatamilnadu.in के नाम से। और मैं कुछ आपको की पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी पर रोक लगा दी गई है। किस पर, व्यक्तिगत पेशी पर रोक लगा दी गई है। कौन सी कोर्ट में, पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सुनवाई की जाएगी। किसके द्वारा सुनवाई की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सुनवाई की जाएगी। आप सिर्फ यहाँ से ये याद रख सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यह अनुच्छेद 124 में है। कौन से अनुच्छेद में है, 124 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हाल ही में वित्त विधेयक लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया है। तो वित्त विधेयक किसके द्वारा पास कर दिया गया है, तो लोकसभा के द्वारा वित्त विधेयक 2020-21 का पास कर दिया गया है। अब इस विधेयक, यह विधेयक बिना चर्चा के पास कर दिया गया है। वित्त विधेयक को बिना चर्चा के द्वारा पास कर दिया गया है। किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा। अब लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है, तो ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है। यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है CHSL की फर्स्ट शिफ्ट में। तो CHSL की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है, ओम बिड़ला, तो लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है। और वित्त विधेयक, तो मैं वित्त विधेयक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो अनुच्छेद 110 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो यह धन विधेयक से संबंधित है। तो वित्त विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 110 वित्त विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अंतिम निर्णय होता है। तो इसके बारे में अंतिम डिसीजन कौन लेता है, लोकसभा लेता है। और एक और पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी भारत का पहला शहर बन गया है इंदौर, जो कि ड्रोन के माध्यम से, कैसे, ड्रोन के माध्यम से रसायनों का छिड़काव करवाएगा, रसायनों का छिड़काव करने वाला इंदौर भारत का पहला शहर बन गया है।